एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पेन की कॉस्ट क्या है, रुपीज 10। कितनी कॉस्ट है इसकी? 10 रुपीज। सभी का ध्यान यहां पर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द पेन। रुपीज 10 मेरे पास कॉइन्स है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंडीशन है कुछ, आप शॉपकीपर के पास गए हो पेन खरीदने के लिए, लेकिन कंडीशन दे दी आपको कि आपको 10 रुपीज तो देने ही है, लेकिन लेकिन वही कॉइन्स देने हैं आपको जिन कॉइन्स की फेस वैल्यू सेम है। समझ में आया? अगर 1 रुपए का आपने कॉइन दिया है तो सबके सब 1 रुपए के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई बात समझ में? यस सर। तो ये कॉइन्स है, चलिए आप आ जाइए। सबसे पहले मुझे 10 रुपीज यहाँ पे दीजिए सिलेक्ट करके। कंडीशन ये है जो कॉइन सिलेक्ट किया आपने वही कॉइन होना चाहिए। तो कैसे दोगे आप, बाकी बच्चे भी देख सकते हैं आगे कैसे है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए इन्होंने क्या सिलेक्ट करके दिया है, 5 रुपीज के कितने कॉइन्स दिए हैं, 2 कॉइन्स। तो फर्स्ट केस वन 5 रुपीज के कितने कॉइन्स आ गए, 2 कॉइन्स। ठीक है, आपने पेन खरीद लिया है, ठीक है। अब कौन आएगा, आ जाइए, आइए। हाँ, अगर आप चाहे तो आपको चाहिए तो किसी और को बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। बुला लीजिए, किसको बुलाना है आपको, नाम से बुलाइए, आइए जल्दी। ठीक है, अब आप दोनों को फिर से 10 रुपीज मुझे बना के देने हैं और कंडीशन वही है, सबकी फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। करिए जल्दी, सभी को समझ में आ रहा है क्या है कंडीशंस? यस सर। ठीक, वेरी गुड। देखिए इन्होंने मुझे एक ही कॉइन दिया है, कंडीशन वही है, जो भी कॉइन सिलेक्ट करो वही कॉइन होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। 10 रुपीज बनाने थे, बन गए 10 रुपीज। केस टू 10 रुपीज का इन्होंने मुझे एक कॉइन दिया है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है ना। चलिए इसके अलावा, ठीक है, हाँ वेरी गुड। देखिए इन्होंने मुझे 10 कॉइन्स दिए हैं लाके और सभी के सभी 1 रुपीज के कॉइन है या नहीं है? ठीक है, तो केस 3 चलिए 1 रुपीज के कितने कॉइन्स आ गए, 10 कॉइन्स आ गए। चलिए अब बॉयज में से कौन आएगा, दो आ जाइए आप दोनों, मुझे 10 रुपीज बना के दीजिए। इनके अलावा, इन केसेस के अलावा एक नया केस बना के दिखाइए मुझे, हाउ यू विल मेक 10 रुपीज एंड ऑल द कॉइन्स शुड हैव द सेम फेस वैल्यू। ठीक है, ठीक, इन्होंने मुझे बना के दिए हैं 10 रुपीज और सिलेक्ट क्या किया आपने, 2 रुपीज का कॉइन सिलेक्ट किया है। तो ये हमारा नेक्स्ट केस है, देखिए ठीक है। तो ये हमारे सभी केसेस कंप्लीट हो गए, पॉसिबल केसेस। मान के चल लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हमारे कंट्री में सभी कॉइन्स यहां पर हैं, 3 रुपए का भी कॉइन है, 4 रुपीज का भी कॉइन है, ठीक है, 7 रुपीज का भी कॉइन है, 9 रुपीज का भी कॉइन है, मान के चलते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए इन सभी केसेस में ये 5 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन, 1 और 2 डिफरेंट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं? 1, 2, 5 और 10 यही नंबर्स दिख रहे हैं डिफरेंट? Yes, sir. 10 के केस में जब हमारी कॉस्ट है पेन की ₹10 तो यही फेस वैल्यूज क्यों सामने आई है, बाकी कॉइन्स क्यों नहीं दिख रहे यहाँ पे, 3 रुपीज का कॉइन क्यों नहीं है? अब ये मत बोलना कि कॉइन चलता नहीं, मान के चलते हैं कि अगर चल रहा होता। तो क्योंकि ये 10 के फैक्टर्स। वेरी गुड, क्लैप करिए इनके लिए जी। तो जो टॉपिक है ना आपका, वो टॉपिक क्या है आपका, फैक्टर्स। टॉपिक क्या है, फैक्टर्स। ये जितने नंबर आपको दिख रहे हैं 1, 2, 5 और 10 ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं 10 के। किसके फैक्टर्स हैं? 10 के। अब फैक्टर्स का मतलब क्या है, ये नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करेंगे 10 को। समझ में आया? यस सर। इनके टेबल में 10 आता है। वेरी गुड, ठीक है। 10 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल दीज नंबर्स, सही बोला आपने, या तो आप ये बोलिए ऑल दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 10
या फिर 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 2, 5 and 10। आई बात समझ में? अब फैक्टर होने का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी नंबर सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, 5। 10 शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। 5 टाइम्स 2 इज 10। रिमाइंडर क्या आया है? 0। रिमाइंडर क्या आया है? 0। इसका ये मतलब है अगर आपके पास 10 कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप यहां पर ये आपका जो नंबर आया है, दिस इज नोन एज क्वेश्चन। क्या है ये? क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ग्रुप बनाना है 10 ऑब्जेक्ट्स का, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आपको ग्रुप बनाना है, हर ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे, हर ग्रुप में कितने होंगे? 5 ऑब्जेक्ट्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका फर्स्ट ग्रुप बन गया, यस और नो? यस सर। 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड ग्रुप बन गया, कितने ग्रुप बनेंगे? 2। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वेश्चन। आई बात समझ में? yes, चलिए 2 से डिवाइड करके देखा हमने, अब 1 पे आ जाइए। क्या 10 डिवाइड होगा 1 से? yes, तो 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1। इसका क्या मतलब है? तो हर ग्रुप में एक मेंबर रहेगा, हर ग्रुप में कितना मेंबर्स रहेंगे? 1। और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे? 10। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम्पल लेंगे 5 का, 5 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 2 डिवाइड करेगा 10 को, 2 टाइम्स 5 इज 10। अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ग्रुप में कितने मेंबर्स रहेंगे? 2। तो कितने टोटल ग्रुप बने आपके? 5 बन गए। ठीक है, एक और केस है यहां पर 10 का। अब इसका क्या मतलब है, एक ही ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स रहेंगे या 10 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे? कितना ग्रुप बना है? 1। ठीक है, तो फैक्टर्स को आप इस तरह से भी क्या समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया डिवीजन मतलब क्या है, फैक्टर मतलब क्या है, मल्टीपल मतलब क्या है? ठीक है, तो आप बोलेंगे 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 2, 5 and 10, या फिर 1, 2, 5 and 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। आई बात समझ में? yes, इसके अलावा एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी एक नंबर बताइए। 2 बड़ा नंबर? 10। इसके अलावा बताइए। 12। अगर आपने नंबर बताया है 12, 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12। क्यों? 12 से ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 12 अपने खुद के टेबल में आएगा, 12 टाइम्स 1 इज 12। आई बात समझ में? फैक्टर्स क्या है, इसका आइडिया क्लियर हुआ सभी को? फैक्टर्स का क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है रियल लाइफ में, ये बात समझ में आई सभी को? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, समझ में आ गया? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, समझ में आ गया? yes, sir. याद रहेगी ये चीजें? yes, sir. ठीक है, थैंक यू।